देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी एक के बाद एक अपने नए प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर रही है। अब दोस्तों मारुति सुजुकी के सेलेरियो के नए मॉडल के बाद अब मारुति आल्टो का नंबर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मारुति सुजुकी की एंट्री लेवल हैचबैक और सबसे सस्ती मारुति आल्टो अब अपने न्यू जनरेशन अवतार में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी इसके नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने के लिए पूरी तरीके से इस गाड़ी का कॉन्सेप्ट मॉडल तैयार कर रही है। मारुति सुजुकी ने न्यू जनरेशन मारुति आल्टो का प्रोडक्शन मॉडल रेडी कर लिया है और इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान भी देखा जा चुका है। दोस्तों खबरों के मुताबिक ये गाड़ी भारतीय बाजार में नए साल के मौके पर लॉन्च करी जा सकती है। इस गाड़ी की बुकिंग दोस्तों कंपनी नए साल से शुरू लेना चालू कर देगी। खबरों के मुताबिक दोस्तों इस गाड़ी को हेयरटेक प्लेटफॉर्म को मॉडिफाइड वर्जन पर तैयार करा जा रहा है। ऑल न्यू मारुति सुजुकी आल्टो, इसके मॉडिफाइड वर्जन पे इस गाड़ी का वजन पहले से भी तुलना में कम हो जाएगा। इस समय मारुति सुजुकी के बहुत से मॉडल हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसी में दोस्तों अब मारुति आल्टो का भी नाम जुड़ चुका है, जिसके चलते गाड़ी का डिजाइन पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हाल ही में दोस्तों गाड़ी का न्यू जनरेशन क्रॉसओवर डिजाइन दिया गया है, क्योंकि आजकल मार्केट में लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी की ओर ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब दोस्तों ओरिजिनल डिजाइन को थोड़ा बहुत एसयूवी टच दिया जा रहा है। इसके डिजाइन को और फ्रंट से एकदम ही न्यू रीडिजाइन करा गया है, जिसमें आपको न्यू ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेंगे, जो कि नए टर्न इंडिकेटर्स के साथ आने वाले हैं। वही दोस्तों गाड़ी के रेयर में आपको न्यू सी शेप एलईडी टेल लैंप सेटअप का क्लस्टर देखने को मिलेगा, जो कि एलईडी टेल लाइट्स की स्ट्रिप के साथ आएगा। इंडिकेटर्स और सुजुकी आल्टो की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। वही दोस्तों साइड से गाड़ी को एक बेहतरीन लुक देने के लिए कंपनी इसमें आपको साइड स्किड प्लेट्स और 16 से 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स एड ऑन करेगी, जो कि गाड़ी के लुक को और भी ज़्यादा बेहतरीन और प्रीमियम दिखा पाने में मदद करेंगे। दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, साथ ही साथ इसका एक्सटीरियर भी उससे भी बेहतरीन है। दोस्तों गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ ही गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रहने वाला है। कैबिन के अंदर भी काफ़ी बदलाव करे गए हैं। न्यू जनरेशन आल्टो में आपको न्यू प्रीमियम लेदर क्वालिटी का इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड फिनिश देखने को मिल जाएगी। इसके साथ इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। इसके अलावा फीचर्स के तौर पर गाड़ी में आपको नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कीलेस एंट्री के साथ पावर विंडो और ऑटोमेटिक एसी के साथ कई सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिल जाएंगे। इसके ज़्यादा दोस्तों गाड़ी में आपको न्यू फ्रंट एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में स्टैंडर्ड रूप से देखने को मिलने वाले हैं। वही दोस्तों गाड़ी में सबसे बड़ा अपडेट गाड़ी का इंजन बताया जा रहा है। कंपनी अभी इसके इंजन के डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है, पर रिपोर्टर्स के मुताबिक न्यू मारुति आल्टो में आपको नया 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 80 HP की पावर और 190 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। ये गाड़ी दोस्तों शानदार कंपनी फिटेड CNG किट के साथ आएगी, जिसके चलते गाड़ी का माइलेज 20 से 30 किलोमीटर तक आराम से रह पाने में सक्षम होगा। इस गाड़ी को दोस्तों नए साल के मौके पर कंपनी जल्द ही लॉन्च करे जाने के लिए रेडी कर रही है। इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो गाड़ी न्यू जनरेशन आल्टो की कीमत दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए ही बेस मॉडल रहेगी, बाकी टॉप मॉडल 4 से 5 लाख रुपए तक जाने की संभावनाएं सामने आ रही है। ये न्यू जनरेशन आल्टो अब नए अवतार में न्यू फीचर्स और एक बेहतरीन इंजन के साथ लॉन्च करी जाएगी। तो दोस्तों अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, आपको न्यू जनरेशन आल्टो का नेक्स्ट जेन मॉडल कैसे लगा, क्या आप इसको खरीदना चाहेंगे? अपनी राय अपनी जगह का हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगर आप इस गाड़ी को खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके वीडियो को आम आदमी तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।